इंदौर शहर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा हर रविवार संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में रविवार के दूसरे लॉकडाउन का असर शहर में देखने को मिला। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। लॉकडाउन के चलते सड़कें सूनी नजर आई। हालांकि इस दौरान कुछ लोग सड़कों पर घूमते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने समझाइश देकर वापस घर की ओर रवाना किया। एडिशनल SP प्रशांत चौबे के अनुसार संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। त्योहार को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स को भी तैनात किया गया। सर, आज लॉकडाउन है और सर किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? सर ये संडे लॉकडाउन है कोविड के कारण, और लॉकडाउन के चलते यहाँ पे हमारा ह्यूज व्यवस्था पूरी यहाँ लगाई गई है, जिसमें सभी चौराहों तरह पे पुलिस का बल है, ट्रैफिक का बल है, हमारे जो समुदाय पुलिसिंग के लोग हैं लगातार। हम लोगों ने कल रात से ही जो नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की टीम ने लगातार अनाउंसमेंट करके और सभी को ब्रीफ करके, इवन सभी जो धर्म के प्रमुख लोग हैं उनसे मीटिंग्स भी की हम लोगों ने, लगातार सबको बताया है कि कैसे लॉकडाउन में का पालन करना है, कैसे रिस्ट्रिक्शन के साथ त्यौहार मनाने हैं। तो उसकी सारी चाक चौबंद व्यवस्था लगाई गई है। हर थाने में एक्स्ट्रा मोबाइल्स रखी गई हैं, PCR FRV और बीड मोबाइल के अलावा हर थाने में एक्स्ट्रा पुलिस मोबाइल्स भी लगाई गई हैं, एक्स्ट्रा बल भी लगाया गया है। तो सारी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सर, जो होली जलाने और सबसे बरात को लेकर खास व्यवस्था रही है? निश्चित ही, जैसा कि पहले तय हुआ था उस संबंध में सभी मीटिंग्स हो गई थी, उसके बाद अभी कुछ निर्देश चेंज हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी सभी चौराहों चौराहों पर सख्त चेकिंग रहेगी। अनावश्यक मूवमेंट किसी को नहीं किया जाएगा, करने दिया जाएगा। जो भी निर्देश हैं, जो भी आदेश जारी हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही सबको त्योहारों की व्यवस्था, त्यौहार जो है लोगों को मानना होगा, उसके लिए पुलिस लगातार व्यवस्था करेगी। सर, वो मीटिंग